पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, आई थिंक प्लीज सेलिब्रेशन का टाइम है, फर्स्ट प्रीमियम क्रूज. हाँ तो पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग इनसाइड एंड हैविंग फन. धमाल होने वाला है, राहुल धमाल करने वाले हैं. बहुत हाथों में बेड़ियां थी सब छोड़ के जी, हाथों में बेड़ी थी आए थे ना सेट पे. वेरी गुड. तो हाँ हाथों में बेड़ी थी, हाँ बेड़िया खुल गई है, आज हम धमाल करने वाले हैं. देखते हैं जहाँ ढूंढ ना जाए हमारे वजह से. इंटरनेशनल क्रूज है, कहाँ कोई जगह नहीं छोड़ना चाहूँगी. मतलब द वेलकम वॉज सो वार्म, सो ब्यूटिफुल, फुल महाराष्ट्र स्टाइल. आई लव्ड इट. और डांस भी किया महाराष्ट्र स्टाइल में. और मतलब अभी ये तो हम लोग एंटर ही कर रहे हैं एंड द क्रूज इज सो ह्यूज, इट्स सो बिग. आई हैवंट सीन इतना बड़ा क्रूज अभी तक, और पहली बार मैं जा रही हूँ ऐसे क्रूज में. आई एम श्योर आई एम गोना एंजॉय दिस एंड कंग्रेचुलेशंस टू द टीम. एंड मैं जाना चाहूँगा यहाँ से. डेफिनेटली इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज जी के और एन टी वी के सारे शोज यहाँ पे मौजूद है. ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जहाँ पे हर शोज के एक्टर्स यहाँ पे होते. इट्स लाइक अ रियूनियन. शूट होने वाला है, पता चला हीरो आ रहे हैं हीरोइन को लेने क्रूज में, या हीरोइन जा रही है हीरो को छोड़ के क्रूज में, और हीरो आया भागता भागता रोकने के लिए. इट्स गोना बी फन आई एम श्योर. अभी तो फिलहाल हमारी एंट्री हुई है, वी हैवंट बीन इनसाइड. सो जितनी भी अभी हमारी एंट्री हुई, स्वागत हुआ है, बहुत मज़ेदार हुआ. एंड आई एम वेटिंग कि अंदर क्या होने वाला है एंड हाउ द एक्सपीरियंस इज गोना बी, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन द क्रूज. यस यस, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है. जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्रूज़ के बारे में, इंडिया की पहली इस तरह की क्रूज़ है, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वेकेशंस अभी बहुत जल्दी प्लान करने पड़ेंगे. एंड वी बोथ आर रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड हैव अ लुक हाउ इट्स गोना बी. हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे से किया गया, बहुत ही ज़ोरों शोरों से, तो उसने एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है. सो वील जस्ट गो इनसाइड एंड लेट यू नो हाउ इट इज़. बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है, व्हाट डू यू से? पूरी फैमिली मिलेगी यहाँ पर, साथ में हम लोग मस्ती करेंगे. विल जस्ट चेक आउट हाउ जलेश की जो क्रूज़ है करने का यहाँ पे. इट्स ऑब्वियसली लुकिंग वेरी वेरी ग्रैंड, तो अंदर जाके और भी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसे चैंग के साथ जाके एक्सप्लोर करेंगे, तो तीनों इसलिए आए हम लोग सब साथ में. बैठ के ग्रीस जाना चाहता हूँ, मैं जा चुका हूँ पहले, मुझे बहुत पसंद है वो जगह, मैं फिर से जाना चाहता हूँ. तो यस वी शुड ऑल गो देयर. फ्रेंडशिप Definitely. Definitely. It's going to be a great experience, especially with the Zee Parivar and all these beautiful friends that are here with us. Oh, itni formality. हाँ तो नहीं, अच्छी बात. दोस्त सब साथ मिलके आए ताकि अब यहाँ पर चिल करेंगे, और जी के सारे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं ही. So it's going to be a good big party. अभी जाते ताकि बाकी फ्रेंड्स से भी मिलना हो जाए. या वी लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, एंड इट्स हिस्ट्री. सो इट्स क्रिएटिंग हिस्ट्री व्हिच इज ग्रेट. पांडे फैमिली से काफी सारे लोग आए हैं. अच्छा आ गए ऑलरेडी, अब मिलेंगे हम. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ यू नो जी व्हिच इज ग्रेट. बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है. स्विट्जरलैंड शिप में तो नहीं जा पाएंगे, बट हाँ बट अगर क्रूज शिप पे जाना है तो मे बी मैडागास्कर. जाना चाहूँगी सारी टीम को, सारे स्टाफ को. एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, हमारे लिए बहुत चेंज हो जाएगा अगर ऐसे क्रूज पार्टी होती रही तो. मेरे लिए तो आई एम इन जयपुर नाउ डेज डूइंग माई शो, मैं भी अर्धांगनी, तो मेरे लिए तो एकदम ही चेंज हो गया है. मेरा बेटे का क्रूज पहली बार है, सो कैन आस्क हिम. मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत डिफरेंट है. मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, अभी बस एक दो घंटे ही हुए हम लोग को आके. वही इसलिए तो मैं आई हूँ क्योंकि मैं जयपुर में शूट कर रही थी और ये मेरा ऑफ डे था, तो उन्होंने बोला कि मैम यू कैन कम ऐसे, बट आई कैन कम विद माई किड्स बिकॉज आई कैन स्पेंड टाइम विद देम ऑल्सो. तो ये एक अलग एक्सपीरियंस उसकी, अभी एग्जाम खत्म हुई है, बेचारा पढ़ पढ़ के परेशान हो गया है, तो हम दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और क्रूज पे मिलेगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इट. खाणी का इट्स ब्यूटिफुल जलेश क्रूज शिप. या वी हैव बिग शिप हियर इन क्रूज शिप, अराउंड 720 क्रू मेंबर्स हियर. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश एज द फर्स्ट इंडियन क्रूज कंपनी इन द इंडियन क्रूज मार्केट. एंड मैं आशा करता हूँ कि लोग हमारे पास आएंगे, हमारे जहाज़ पे आएंगे, छुट्टियां बिताने आएंगे, सह परिवार आएंगे.
I come from the beautiful city of India called Dehradun, up north, Devbhumi. And I'm really looking forward to invite every single Indian to have a holiday on board Karnika. Cruise mein sari khubiyan hi khubiyan hain. Yahan par buzurgon se leke bachchon tak sari facility, sari cheez uplabdh hain. Yahan par aap aa sakte hain, yahan par aap apne परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं, यहाँ पर आप जल का मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पर आप दरिया देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर आप स्पा यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन खाना खा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ हफ्तों तक इंडिया में रहेगा, उसके बाद में 24 मई तक ये दुबई जाएगा, उसके बाद दुबई हब बना के 3.5 दिन या 7.5 दिन का क्रूज़ वहाँ पर करेगा। सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये मेरी पूरी टीम यहाँ पर। जब आप जहाज़ पे आते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई गारंटी द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन बोर्ड एंड एब्सोल्यूट इंटरटेनमेंट एंड एक्सेलेंस ऑन बोर्ड। और सर, खाने की क्या है, खाने के शौकीनों के लिए अगर यहाँ पे है जी, क्या क्या चीज़ है, किस तरह का खाना? यहाँ पर हम इनक्रेडिबल इंडिया का खाना ला रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट ऑफ अमूल से लेके जो हम इंडियन खान पान खाते हैं, बेहतरीन, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सारे खाने मौजूद हैं जी। यहाँ पर मारवाड़ी से लेके, साउथ इंडियन से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, वेस्ट कोस्ट से लेके, सारी चीज़ उपलब्ध हैं। सर, कितनी फ्लोर है, क्या है, वो सब पता जी? ये जहाज़ में 14 फ्लोर हैं। ये जहाज़ 245 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा है और पानी की सतह से करीबन 8.4 मीटर नीचे है। ये जहाज़ काफ़ी बड़ा है और 70,000 टन का जहाज़ है ये। एक साथ में कितने पैसेंजर इसमें साथ में हैं? इस जहाज़ में एक साथ में 2054 पैसेंजर्स कैन सेल। रूम कितने हैं इसमें? रूम के अलावा अराउंड 836 सुइट्स एंड कैबिन्स। इसके अलावा यहाँ पर कैसीनो है, यहाँ पर स्पा है, यहाँ पर किड्स रूम है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, यहाँ पर फोटो गैलरी है, यहाँ पर इंटरटेनमेंट है और यहाँ पर शुद्ध हवा है, यहाँ पर सुकून है जी। वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग का आशीर्वाद रहे, आप सब लोग की प्रार्थना रहे, ताकि हम अपने आप को एक अच्छी क्रूज शिप कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को बाहर ले जा सकते हैं, दुनिया दिखा सकें। जय हिंद।